बहुत मिस करेंगे हमेशा, सिर्फ 10 दिन के लिए आते चले जाते हैं, अगले साल के लिए घर वेट करेंगे। गणपति बाप्पा मोरिया उत्साह श्री राम। शुरू से यही कह रहा हूँ कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सुसर्वदा। गणेश प्रथम पूजा के दैवत माता पिता के आशीर्वाद की वजह से और माँ बाप की उन्होंने जो प्रार्थना की उसके वजह से उन्हें प्रथम पूजा का स्थान मिला और ये बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। एक दो तीन चार गणपति की जय जयकार, 5 6 7 8 गणपति हमारे साथ, 9 10 11 12 गणपति है सबसे प्यारा। गणपति पप्पा, गणपति पप्पा ने अपने भक्तों के घरों में आ गए हैं और मेरे साथ में है जैकी भगनानी। आइए उनसे भी बात करते हैं कि गणपति पप्पा के आगमन पर वो कितने एक्साइटेड है और वो इस फेस्टिवल को कैसे मनाते हैं और क्या मेमोरीज है उनके साथ। आइए बात करते हैं उनसे। वेलकम टू ज़ू। थैंक यू सो मच सलमा, आपसे मिलकर हमेशा बहुत बहुत अच्छा लगता है। एंड गणपति बप्पा हमारे घर पे तो 12 महीने रहते हैं, ये जो मूर्ति हैं ये फुल टाइम रहती है। और इस साल हम वैसा गणपति नहीं रख रहे हैं जो विसर्जन करने वाला, बट गणपति जी हमारे साथ पूरे साल रहते हैं। गणपति बप्पा से जुड़ी हुई आपके घर की क्या क्या यादें हैं, ऐसे मतलब कोई ऐसी मेमोरीज आपके घर की जो बहुत स्पेशल है अभी तक? सबसे ज्यादा तो मोदक और खाना, मोटा था मैं तो मैं बहुत खाता था। मैं अभी वही पूछने वाली बात पे, तो मुझे सब लोग गणपति बप्पा बुलाते थे कि यार तेरा भी विसर्जन कर देंगे यार, तू तो मतलब कितना खा रहा है, अरे बहुत। और फिर जो रात को मस्ती करना, अगले दिन 2 दिन स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, कॉलेज तो वैसे भी कोई नहीं जाता, बट स्कूल के टाइम पे मुझे याद है मैं बोलता था गणपति जी हैं, मुझे रात भर जगना है, अभी कैसे से बोलो। और वो दिया होता है, वो दिया बुझने नहीं दिया जाता, जो गणपति जी के यहाँ जब लाया जाता है घर पर, तो मैं बोलता था कि मैं रहूँगा रात भर तो मैं कैसे सुबह स्कूल जाऊँगा। गणपति ये एक ऐसा फेस्टिवल होता है जब मनीष पॉल सारे काम छोड़कर बप्पा की पूजा अर्चना में लग जाते हैं और हमारे साथ है मनीष। आइए जानते हैं कितने एक्साइटेड हैं बप्पा को अपने घर लाके। वेलकम टू ज़ूम मनीष। थैंक यू वेरी मच यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये मेरा 6th ईयर है जब बप्पा घर आए हैं। और मुझे याद है मैंने शुरुआत की थी तो मुझे किसी ने कहा था कि जब मानना होता है तो ऐसा होता है कि मिनिमम 3 ईयर्स, तो वो 3 साल पूरे होने के बाद मुझे इतना मज़ा आया, इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा मैं जब तक हो सके मैं लाना चाहता हूँ, तो मैंने अब वो कर दिया इनफाइनाइट, जब तक मैं चाहूँ लाना मैं ला पाऊँ। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा मोरिया ऑब्वियसली गणेश फेस्टिवल है और अब हम सोनू सूद के साथ है उनके घर में, जो हमें स्पेशली बताने वाले हैं कि वो किस तरह से इस फेस्टिवल को मनाते हैं और पूजा करते हैं। क्या पहली चीज़ क्या करते हैं आप?
सबसे पहले तो यू नो ये 15th ईयर है, 15वां साल है जब गणपति घर पे लेकर आए हैं. एंड आई रिमेंबर कि जब पहली दफ़ा जब मैं लेकर आया था तो अचानक प्लान बना और बहुत यू नो लोगों का कहना था कि बहुत यू नो विधि से रखना पड़ता है, कई बार यू नो अगर आप प्रॉपरली नहीं करें तो गणपति नाराज़ हो जाते हैं. बट मैं हमेशा मानता था कि यू नो दिल के अंदर वो एक श्रद्धा होनी चाहिए करने की, और मेरे अंदर था कि मुझे करना है. और यू नो आज 15 साल बीत के पता नहीं चला, बट आई ऑलवेज फील कि पहले दिन से लेकर और आज तक हमेशा गणपति पापा ने ब्लेस किया है, तरक्की ज़िंदगी में हुई है, ज़िंदगी के कदम कुछ आगे हमेशा बढ़ाए हैं. सो आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड. लास्ट ईयर मैं हैप्पी न्यू ईयर के टाइम पे शूट कर रहा था दुबई में, एक पहला साल था जब मैं गणपति पे यहाँ पे नहीं था और मैं बहुत मिस भी किया. और मैंने यू नो गणपति पापा से बोला कि इस साल मैं ज़रूर हूँ, और फाइनली यू नो गणपति घर पर आए हैं एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड. गणेशा इस कॉज के साथ जुड़ गए हैं. प्रभुदेवा वेलकम टू जूम. प्रभु थैंक यू. सो बताइए ग्रीन गणेशा इससे आप क्या समझते हैं? तो दे आर एक्चुअली दे व्हाट दे आर टेलिंग इज अबाउट एनवायरनमेंट फ्रेंडली. सो सी इट्स रिटन नॉइस पोल्यूशन एंड आल्सो इट वाज मेड ऑफ गणेशा इज मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. इज नॉट आई मीन using clay to make Ganesha. That's better. I think I totally support this idea. Ganpati Bappa Moriya, Mangal Murti Moriya, Moriya Re Bappa Moriya Re, Moriya Re Bappa Moriya Re, Moriya Re Bappa Moriya Re. हर साल राखी सावंत अपने घर में गणपति बप्पा की बहुत धूमधाम से स्वागत करती हैं और हमें भी बुलाती हैं कि इस जश्न में हम भी उनके साथ हिस्सेदार हों. तो इस साल कितनी, मैं तो पूछूंगी सबसे पहले कि आज के दिन से पहले कितने दिन पहले आपने तैयारियां, कितने दिन से चल रही हैं आपके घर में कि गणपति बप्पा का स्वागत बहुत धूमधाम से हो? देखा जाए तो पिछले 3 महीने से तैयारी होती है कि गणपति बप्पा आने वाले हैं, आने वाले हैं. इस बार में क्या करूँगी, इस बार कैसे डेकोरेशन करूँगी, इस बार कौन सी कलर थीम क्या होगा, इस बार लेज़र लाइट कौन सी होगी, इस बार क्या मिठाइयाँ बनेगी, कौन सा भोग बनेगा भगवान के लिए. तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रोज़ रोज़ चलती रहती है. तो एक बार यहाँ प्रिपेयर हो गया कंप्यूटर में, तो ये चिप में एक बार प्रिपेयर हो गया तो फिर वो सब हो जाता. आपने देखा है ये सब कुछ पहले यहाँ फिट हुआ फिर अभी इधर आप देख रहे हैं एज इट इज़. जिस तरह से आप बिल्कुल आप बता भी रही हैं कि कैसे आप सोच के जो थीम है जो भी आप लाती हैं, काफ़ी गणपति के साथ काफ़ी कनेक्शन है. तो अगर बचपन की बातें करें, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड माई गणेश, माई फ्रेंड गणेशा. तो गणपति बप्पा को मैं ईश्वर बोलूँ भगवान बोलूँ मुझे मैं दोस्त ज़्यादा हैं वो, मतलब फ्रेंड ज़्यादा हैं. तो अच्छा लगता है, एक बंधन, एक फ्रेंडशिप है. और मतलब अगर मैं अगर दरवाजे से बाहर भी जा रही हूँ तो मैं बोलती बैठे रहना बाबा, उठना मत, मैं आ रही हूँ बाबा, गणपति बाबा मतलब मैं आ रही हूँ, थोड़ा नीचे जा रही हूँ, कुछ लेकर आती हूँ सामग्री. क्योंकि मैं अकेली हूँ तो अभी तक मेरे घर वाले कोई आए नहीं है, बच्चे हैं सब लोग हैं. तो बस एक फ्रेंडशिप की तरह के एक इंसान आए हैं और 1.5 साल मुझे इनको संभालना है. ये मेहमान है, एक फ्रेंड है, तो इनका पूरा ख्याल रखना है. हर साल की तरह इस साल भी गणपति बप्पा एक्टर नाना पाटेकर के घर में पधार चुके हैं और आइए उनसे बात करते हैं कि हर साल की तरह ये साल भी इनके लिए कितना स्पेशल है. वेलकम टू जूम सर. कैसे हो? आई एम गुड सर, थैंक यू सो मच. आप कैसे हैं? बिल्कुल, अभी गणपति बप्पा आ गए घर में तो चलो 10 दिन अभी त्यौहार ही त्यौहार है, इस बहाने सभी मिलते रहेंगे. और यही एक बहाना होता है, गणपति हो, दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, तो यही वजह यही है कि हम एक दूसरे से मिलते हैं. नहीं तो हम इतने मशगूल होते अपने काम में तो हमें वक्त ही नहीं मिलता.
इनवाइट किया गया है जूम को नील नितिन मुकेश के घर पे, और मेरे साथ में नील तो है लेकिन उनसे पहले मैं मिलाऊंगी उनके बहुत ही खूबसूरत माँ बाप से जो बहुत ज्यादा प्यारे हैं। पहले उनको वेलकम करते हैं, नील से तो हम बात करते ही रहते हैं। वेलकम टू जूम। Mom, she's saying welcome. Yeah, welcome. Thank you so much. Thank you, Salma. She is a very shy person, but khoobsurat maa baap nahi, khoobsurat maa. No doubt, Neel, aap itne handsome kaise hain? Beautiful parents. Thank you. Ab aap jaante hain. Okay. And Ganpati aage hain ghar pe bazaar ke hain. 21 saalon se ye pratha chalti aa rahi hai. और इतनी खूबसूरत गणपति, हम हर गणपति खूबसूरत होते हैं, बट दिस इज ब्यूटिफुल जितना आप लोगों ने किया है। तो टेरेस कितनी दिन लगे पहले तो मैं आंटी से शुरुआत करूँगी। एक्चुअली तो प्रैक्टिकली आई विल से 2 महीने पहले शुरू कर देते हैं, तो लास्ट डे तक चलता रहता है।